अजरु विराग साहब अमन महाराज की अहिंसा में धर्म की सेठी सुन। यहाँ पर जो है कुरल काब्जी ग्रंथ में समझा रहे हैं जगति पर वो निर्धनता श्रेष्ठ है जो सदाचार के साथ है। सदाचारी का निर्धन होना श्रेष्ठ है, दुराचारी के धन से क्या प्रयोजन। धन आया खोटे काम करके, ऐसे धन की अपेक्षा से दरिद्री होना श्रेष्ठ है। धन हो संपत्ति भूत हो, जगत के जीवों के हाय हाय करके खून निकाल कर तुमने पैसा निकाला तो तुम्हारा पैसा खून है, पैसा नहीं है। इसलिए सम्यक प्रवृत्ति से जो अर्जन कर रहा है वही श्रेष्ठकर है। निषिद्धमपि कार्यवाणी यो नरो निमुच्यते सकलस्यापि तस्या निवृत्तिर्मानसे है। निषिद्धमपि कार्याणी, जिन कार्यों को धर्मशास्त्रों में निषिद्ध कहा है उन कार्यों को फिर भी कोई करता है वो निश्चित मान के चलिए भविष्य का निशाचर है। निषिद्ध का मतलब जिनका निषेध है, जिनके लिए मना किया गया है। छल कपट मायाचारी काम क्रोध आदि विकारी भाव, इनसे जीव को दूर रहना चाहिए। और जिस पद पर आप आसीन हो अपने पद के अनुकूल जीवन जीना चाहिए, उसके विरुद्ध जीवन जिएगा उसके कह रहे हो निषिद्धस्यापि कार्याणि, जो निषिद्ध कार्य ये बताए गए उनको भी जो नहीं छोड़ते। नहीं मुंचते, जिनको नहीं छोड़ते हैं ऐसे मनुष्यों को देखो वे कैसे सफलस्यापि तस्य निवृत्ति नहीं मनने से। ऐसे मनुष्यों को देखते चाहे सफल मनोरथ भी हो गए हों तब भी उन्हें शांति नहीं मिलती है, ये विशेष ध्यान दीजिए। माँ को घर से बाहर निकाल करके सेठी पुत्र लड्डू खा रहे बेटे, तुम कितनी लड्डू खाते रहो, जब जब याद आएगी। पत्नी के राग में माँ को घर से निकाल दिया है, हर समय मन में क्लेश सुई चुभेगी, ऐसी कल्पना नहीं होना चाहिए कि अपने वंश के राग, अपने परिवार के बसाने के लिए अपनी पत्नी के पुत्र के राग में अपने पिता अपने माँ अपनी दादी माँ इनको लट्ठ मार के घर से बाहर निकाल दिया। ओहो ऐसे क्रूर लोग, ये नरक के नार के लोग आ गए हैं, जो घर के लोगों को भी अच्छे से देखना पसंद नहीं करते। जो साधु पुरुष होते हैं वे घर के लोगों को तो अच्छे से पालते हैं, वे तो मोहल्ले के लोगों को भूखे लोगों को भूखा नहीं छोड़ते, पूरे देश को राष्ट्र को चलाते हैं, वे चक्रवर्ती जैसे लोग बनते हैं। इसलिए जीवन में वे ही महत्व तो प्राप्त कर पाएंगे, वे ही उत्तीर्णता हासिल कर पाएंगे जिनके पास अपने जीवन के साथ दूसरे को जीवन भी दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए अपने जीवन में मात्र ये मत सोचो जो बात मुझे बुरी लगती है वो दूसरों को भी लग सकती है, जो क्रिया हमारे लिए पसंद नहीं वो दूसरों को भी पसंद नहीं हो सकती है, जो भोजन हमें रुचकर नहीं लगता हम दूसरे को क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। जैसे गर्मी का मौसम है आपके बगल में कोई आके घुसे तो आपको लगता है क्यों परेशान कर, तो दूसरे को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जैसा स्वयं का जीवन जीना पसंद है आप दूसरे को भी वैसा देखना सीखो, जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर का सिद्धांत है।